हेलो एवरीवन आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रनासेंस एज और रनासेंस मूवमेंट इन इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर रनासेंस एज और रनासेंस मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर इस एज का स्टार्ट होता है फिफ्टीथ सेंचुरी के अंदर और एंड होता है सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर इस एज को हम एलिजथन एज भी कहते हैं क्योंकि इस ऐज में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट रूलर थी इस एज की क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट तो वो रूलर थी इस एज की इसलिए इसे एलिजाबेथन एज भी कहते हैं इसके अलावा इसे एलिजाबेथन ऐज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एज एलिजाबेथ के दौर में पीक ऑफ रेनासेंस था इसलिए इसे एलिजाबेथन एज भी कहते हैं रेनासेंस एज के अंदर कुछ मेन चीज़ें थी कुछ मेन पॉइंट्स थे उसमें नंबर वन पर है गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसके अलावा गोल्डन एज इन इंग्लिश ड्रामा ड्रामा के अंदर भी इसे गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है उसके अलावा इस एज में रिवाइवल ऑफ लर्निंग थी देन इस एज की फेमस फिलॉसफी थी ह्यूमनिज्म उसके बाद था बिगिनिंग ऑफ साइंस इस एज में साइंस का स्टार्ट हुआ था और उसके अलावा अर्ली मॉडर्न ऐज इन इंग्लिश लिटरेचर इस एज को अर्ली मॉडर्न ऐज इन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है हम इन पॉइंट्स को देखते हैं अलग अलग गोल्डन ऐज इन इंग्लिश लिटरेचर गोल्डन ऐज इन इंग्लिश ड्रामा रिवाइवल ऑफ़ लर्निंग ह्यूमनिज्म बिगनिंग ऑफ साइंस एंड अर्ली मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर ह्यूमनिज्म फिलोसोफी की मेरी अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वो चेक कर सकते हैं उसके अलावा देखते हैं हम इस एज को डिटेल के अंदर रेनासंस रेनासेंस इज अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल ये वर्ड एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है रीबर्थ और रिवाइवल इस एज को रीबर्थ क्यों कहा जाता है आप देख आपको पता होगा कि राना एज से पहले थी मिडल ऐज मिडल ऐज को डार्क एज इन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है मिडल ऐज के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट डिजीजेस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स की वजह से इस ऐज में लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा था इसलिए इसे डार्क एज इन इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं मिडल ऐज से निकलकर जब राना स्टार्ट हुआ और प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो दोबारा से लिटरेचर पर वर्क शुरू हुआ दोबारा से राइटर्स ने लिखना शुरू किया तो इसलिए इसे रीबर्थ कहते हैं उस एज से रानासंस का सफ़र एक रीबर्थ का सफ़र है उसके बाद इसमें रिवाइवल देखते हैं ग्रीक और रोमन लिटरेचर की फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ इन 1453 कुछ लोग जो थे वे इटली भाग आए तो इटली में वो अपने साथ कुछ वर्क्स और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट भी लेकर आए थे तो इटालियन राइटर्स ने उन वर्क्स को उन मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया और उस पर वर्क करना शुरू किया और उससे रिलेटेड वर्क्स को लिखना शुरू किया उसके बाद इटली से वो वर्क्स और मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड की तरफ पहुँची इंग्लैंड में पहुँची और इंग्लैंड के राइटर्स ने उन्हें ट्रांसलेट करना शुरू किया उनसे सीखना शुरू किया इसलिए इस एज को रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रीक और रोमन लिटरेचर पे वर्क होना शुरू हुआ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई फॉर एग्जांपल पोइटिक्स थी उसकी ट्रांसलेशन हुई और उस पर वर्क्स लिखे उसको फॉलो करना शुरू किया अरिस्टोटल के वर्क्स को फॉलो करना शुरू किया इसलिए इसे रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहते हैं टर्म को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया नाइन्टीथ सेंचुरी के अंदर नाइन्टीन सेंचुरी के अंदर इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया राना और इसके साथ हम प्रिंटिंग प्रेस का मेजर रोल देखते हैं रानासंस एज में गर्ग इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए मेजर वर्क्स को पब्लिश करना शुरू किया और आम आदमी की पहुंच आसान हो गई उन वर्क्स को लेने में उसके बाद लंदन में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया और डिफरेंट वर्क्स को पब्लिश करना शुरू किया तो लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया और पढ़ना लिखना आसान हो गया तो प्रिंटिंग प्रेस का मेजर रोल था राना एज में इसके अलावा हम रीबर्थ में ये भी देखते हैं कि जो ह्यूमन माइंड था वो कन्वर्ट हुआ मतलब इंसान ने अपने बारे में सोचना शुरू किया ख़ुद को सेंटर बना लिया यूनिवर्स का सेंटर खुद को बना लिया ह्यूमन बीइंग जो थे वो यूनिवर्स का सेंटर बन गए इसलिए रीबर्थ देखते हैं हम रिलीजन की कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी रिलीजन का कोई रोल नहीं था मेनली उनकी लाइफ्स में कोई रूल्स पर्टिकुलर नहीं थे जिनको देखकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी मिडल एजेस में ओल्ड एजेस में रिलीजन का बहुत रोल था लेकिन रेनेसेंस एज में हम ये नहीं देखते तो इसलिए इसे रीबर्थ कहा जाता है रेनेसेंस एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं इसको क्यों गोल्डन एज कहा जाता है देखते हैं हम सबसे पहला पॉइंट द रनासेंस मींस रीबर्थ एंड द नेम रेफर्स द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल स्पेशली ग्रीक लर्निंग ग्रीक लर्निंग की डिस्कवरी स्टार्ट हुई रीबर्थ हुई आफ्टर सेंचुरीज ऑफ कंपेरेटिव निगलेक्ट सदियों के निगलेक्शन के बाद उन्हें दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया उस पर वर्क स्टार्ट हुआ उसके अलावा इट मीन्स द डेथ ऑफ द मिडाइवल स्कोलास्टिसिज्म विच हैड फॉर लॉन्ग बीन कीपिंग ह्यूमन थाट इन बॉन्डेज मतलब वो मिडल एज के रूल्स चर्च के रूल्स जिन्होंने इंसान की सोच को कैद में रखा हुआ था उसे आज़ादी मिली इस एज में इंसान की सोच को एक आज़ादी मिली उसके अलावा इट इज़ रिलेटेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन कि वो ट्रेडिशन जो सदियों से चला आ रहा है उस पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई द राइज ऑफ अ साइंटिफिक स्पिरिट साइंस की बिगनिंग हुई साइंटिफिक स्पिरिट की बिगनिंग हुई द राइज ऑफ साइंटिफिक स्पिरिट एम्फोसिस ऑन द कंप्लीट डिवेल्पमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के इंसान की एक इंडिविजुअल की कंप्लीट डिवेलपमेंट पर जोर दिया गया एंड अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटेंशन ऑन द प्रेजेंट वर्ल्ड रादर दैन द नेक्स्ट मेन कॉन्सेंट्रेशन हुई प्रेजेंट वर्ल्ड पे प्रेजेंट सिचुएशन पे समझ आ रही है कि नेक्स्ट वर्ल्ड क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता इसलिए प्रेजेंट प्रॉब्लम्स प्रेजेंट वर्ल्ड प्रेजेंट सिचुएशन पे सोचना स्टार्ट किया देन नेक्स्ट इट वाज द बर्थ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशीज ऑफ द डार्क एजिज इंसान अब उस डार्क एज से निकल आया था डार्क एजिज से इंसान निकल आए थे द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ़ मैन तो इस एज के अंदर हम डिस्कवरी देखते हैं दुनिया की एक नई दुनिया की और एक नए इंसान की द इ्रा ऑफ अन ट्रामल्ड इंडिविजुअलिजम इन लाइफ थाट रिलीजन एंड आर्ट आर्ट के अंदर रिलीजन के अंदर थाट के अंदर और लाइफ के अंदर कोई लिमिट नहीं रही इंसान अनलिमिटेड हो गया अपनी जिंदगी को लेकर अपनी सोच को लेकर अपने मजहब को लेकर और आर्ट को लेकर देन द रसेंस वॉज अ चैलेंज टू अथॉरिटी अथॉरिटी को एक चैलेंज किया इस एज ने इस एज के इंसान ने द अथॉरिटी ऑफ चर्च पेरेंट्स रूल्स रेगुलेशंस तो अथॉरिटी को चैलेंज किया मेनली ये रिवॉल्व था अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ थे ये एज रेनासेंस एज के अंदर रूल्स रेगुलेशंस पेरेंट्स चर्च हर तरह के अथॉरिटी पे सवाल उठाया उसके बाद द रेनासेंस स्टूड फॉर द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ़ ह्यूमनिज़म मेन सेंटर मेन मकसद इस एज का था बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिज्म इंसान की ग्रोथ इंसान जिंदगी कैसे गुजारेगा उसकी जिंदगी का मकसद क्या होगा ये सारी चीजें इन सब पे क्वेश्चंस, इन सब के आंसर्स ये इस एज का मेन सेंटर था ह्यूमैनिज्म इस फिलोसफी का लिंक मैं दे दूंगी इस फिलोसफी पे डिटेल में मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं तो ह्यूमैनिज्म वाज़ द मेन फिलोसफी ऑफ दिस एज ह्यूमन बीइंग वाज द सेंटर इंसान पे मेनली सोच इंसान का माइंड इंसान की सोच देन द रेनासेंस एम्प्लाइड अ परसेप्शन ऑफ ग्रेटर ब्यूटी एंड पॉलिश इन द ग्रीक एंड लैटिन स्कॉलर्स जो ग्रीक और लैटिन स्कॉलर्स थे उनके वर्क्स को बेटर फॉर्म में पोर्ट्रे करना उनके वर्क्स पे काम स्टार्ट किया रेनासेंस एज के राइटर्स ने दिस ब्यूटी एंड दिस पॉलिश वर्ड सॉट बाय रेनासेंस मैन ऑफ लेटर्स इस एज के राइटर्स ने उन वर्क्स के अंदर उस ब्यूटी को उस उन वर्क्स को पॉलिश किया उस ब्यूटी को निकाला लोगों के सामने लेकर आए वो लोगों को दिखाया और उनपे वर्क स्टार्ट किया उसके बाद है मैनी यौनड्राज ऑफ लिटरेचर फ्लरिस्ट इन दिस एज इस एज के अंदर इसको गोल्डन एज कहा जाता है हर यौनड्रा के अंदर मेनली ड्रामा एंड पोइट्री पोइट्री के अंदर सोनेट पेंसेरियन स्टेंजा एंड ब्लैंक वर्स ये तीन मेन फॉर्म्स देखते हैं हम पोइट्री की सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे सोनेट फॉर्म को थॉमस हुआ एंड अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लैंड में जिसपे बाद में डिफरेंट राइटर्स ने वर्क किया विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स बहुत फेमस हैं जिनको हम पढ़ते भी हैं उसके बाद एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वेन जो उनका फेमस वर्क है वो लिखा और स्पेंसरियन स्टेंजा इंट्रोड्यूस करवाया जो नाइन लाइंस का था उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक वर्स जो कि क्लासिक वर्क से आई वर्जल के ब्लैक वर्स से जो इंग्लैंड के राइटर्स ने उन्हें सीखा और उस पर काम शुरू किया मेनली विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैक वर्स को यूज करते हुए डिफरेंट वर्कस को लिखा है तो ये तीन मेन फॉर्म्स हम पोइट्री की देखते हैं इस एज के अंदर उसके बाद प्रोज वर्क्स को भी लिखा जाता था एसेस फ्रांसिस बेकर ने ऐसे फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई ऐसे फॉर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया फ्रांसिस बेकर ने उसके अलावा प्रोज वर्क्स फॉर एग्जांपल सर फिलिप सिडनी ने ड्रामेटिक पोइजी लिखा और अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा तो वो प्रोज वर्क्स थे वो क्रिटिकल वर्क्स थे लिटरेचर के अंदर तो इस एज के मेन क्रिटिकल फिगर थे वो सर फिलिप सिडनी तो ये कुछ वर्क्स थे जो इस एज के बहुत फेमस वर्क्स फेमस राइटर्स थे विलियम शेक्सपियर जो मेन पोइट हैं इस एज के उसके अलावा भी बहुत सारे पोइट्स थे जिन्होंने सोनेट्स लिखे स्टैंडा स्पेंसेरियन स्टैंडा एडमिन स्पेंसर ने लिखा और बहुत सारे पोइट्स थे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है ह्यूज राइज ऑफ इंग्लिश ड्रामा देखते हैं हम इस एज के अंदर ड्रामा पे बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट हुए और उसका मेन रीज़न क्या थी नंबर वन पे क्वीन एलिजाबेथ ने प्रोफेशनल थिएटर्स ओपन करने की इजाज़त दे दी थी थिएटर्स ओपन होने लगे लोग थिएटर्स के लिए लिखना स्टार्ट करने लगे और उस लिखने का मेन मकसद ये था कि लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाई करने का ज़रिया बनाने लगे तो ये थिएटर्स के लिए जो जितने भी प्लेस लिखे जाते थे वो असल में पैसे कमाने के लिए लिखे जाते थे इसलिए लोग धड़ाधड़ धर प्लेस लिखने लगे और थिएटर की ओपनिंग ही मेन रीज़न थी ह्यूज राइज ऑफ इंग्लिश ड्रामा की सेकेंड थिंग ह्यूमनाइजिंग ऑफ प्लेस लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इससे पहले मेरिकल प्लेस मिस्ट्री प्लेस लिखे जाते थे लेकिन रनेसंस एज में इंसान अपनी जिंदगी से रिलेटेड प्लेस को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा उसको अपनी जिंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों को देखने में मजा आने लगा इसलिए ह्यूमन बीइंग को सेंटर बनाकर प्लेज लिखे जाने लगे इसलिए भी इसको ह्यूज राइज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है उसके बाद मेन राइटर्स जो इस एज के थे वो थे विलियम शेक्सपियर जो कि मेन सेंटर थे इस एज के क्योंकि वो थिएटर ऑनर भी थे और राइटर भी थे इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जैसे हेमलेट है और इस तरह के रोमियो एंड जूलियट और बहुत से फेमस वर्क्स जिनको हम आज भी पढ़ते हैं और फॉलो भी करते हैं विलियम शेक्सपियर का नाम जब भी ड्रामाटिस्ट का नाम किसी भी ड्रामा राइटर का नाम आता है तो नंबर वन पर हम जो नाम देखते हैं वो है विलियम शेक्सपियर जो मेन सेंटर थे उस एज के उसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ये लीड रोल्स थे इंग्लिश ड्रामा के रेनासेंस एज में लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने उस सफ़र को ड्रामा के सफ़र को जारी रखा क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस फे, प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे लेकिन यंग एज में ही उन्हें कत्ल कर दिया गया था उसके अलावा बेन जॉनसन जो कि कॉमेडी राइटर थे इन्होंने अरिस्टोटल को फॉलो करते हुए उनकी थ्री यूनिटीज़ को फॉलो करते हुए बहुत सारे ड्रामास लिखे उसके अलावा थॉमस किट थॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजिडी बहुत फेमस है रिवेंज प्लेस इस एज में लिखे जाते थे प्लेस का मेन सेंटर मेन आइडिया होता था रिवेंज और उसके अलावा जॉन लिली तो ये कुछ फेमस राइटर्स थे उस एज के उसके अलावा हम यूनिवर्सिटी विड्स को भी देखते हैं जिन्होंने एक रास्ता बनाया इन राइटर्स के लिए यूनिवर्सिटी विट्स उन यंग ड्रामाटिस्ट को कहा जाता था जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड से अपनी स्टडी ली उसके अंदर थे जॉन लिली क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस किड थॉमस लॉज थॉमस नैश रॉबर्ट ग्रीन एंड जॉर्ज पील तो ये कुछ राइटर्स हैं जिनको हम आज भी इनके बारे में पढ़ते हैं और ये बहुत फेमस हैं उस एज के तो ये थी रैनसेंस एज और मूवमेंट इन इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज।